alaikum everyone. I hope you all are well and doing great. I am Shahz Muhammad to present the topic modern concept of natural selection. The video on this topic will be very helpful for you. So let's start. Natural selection. The scientist Charles Darwin proposed his theory about natural selection. चार्ल्स डार्विन ने नेचर सिलेक्शन के बारे में अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने कहा था नेचर सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए नेचर सेलेक्ट करती है और ये सिलेक्शन डिफरेंट तरीके से भी हो सकती है और रिप्रोडक्शन में भी हो सकती है क्योंकि मेन रिप्रोडक्शन ही है ना जो इंडिविजुअल करेगा और जिसकी बेस पे उस सर्वाइव करेगा फोर रिपोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ फंक्शन ऑफ इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट मीन्स के नेचर ने उनको सेलेक्ट करना है कि वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे एक सोसाइटी में रहने के लिए उनको डिफरेंट फेजे से गुजरना पड़ता है उनको डिफरेंट टास्क करने होते हैं मीन्स के स्पेस के लिए उनको रिप्रोड्यू इवन रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको कंपिटिशंस करने होते हैं इसलिए नेचर उनको सेलेक्ट करेगी जो मोर फिट होंगे जो मोर रिप्रोड्यूस कर सकते होंगे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बेस पे सो नेचर सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर ने एनिमल्स को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट सर्वाइवल के लिए और जो जितना इंडिविजुअल ज़्यादा फिट होगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगी नेक्स्ट इज सिलेक्शन पैटर्न्स मींस कि किन पैटर्न्स की बेस पे सिलेक्शन होती है सिलेक्शन इज़ डिफाइंड एज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिटनेस एंड फिनोटाइप मतलब कि एक एनिमल एक इंडिविजुअल के फंक्शनल रिलेशनशिप में जो कि जितनी उसकी फिनोटाइप्स हैं और फिटनेस हैं मतलब उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जितने ज़्यादा वो कंपटीशन में विन करेगा जितना ज़्यादा फिट होगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगी फ़िट एंड इंडिविजुअल को और मोर फिनोटाइप शो करने वाले को नेचर सेलेक्ट करेगी एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर एन्वायरमेंट इज़ हाउ नेचुरल सिलेक्शन विल अफेक्ट हाउ स्पीशी विल चेंज और यहाँ पे ये है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से सर्वाइव करता है एंड क्योंकि इन्वायरमेंट सीजन्स के हिसाब से चेंज होता है और अगर वो जितना फिट है उतना अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उस एनवायरमेंट के हिसाब से तो जो अपने आप को अडाप्ट कर लेगा जो अपने आप को चेंज कर लेगा वो उतना फिट होगा और नेचर उसको ही सिलेक्ट करेगी मज़ीद उसको सर्वाइव करने के लिए नेचर नेचर इन पैटर्न्स की बेस पे जितना वो ज़्यादा फिट होगा जितना अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकेगा जितनी उसकी अच्छी ट्रेड्स होंगी उसके अलावा वो कितना इन्वायरमेंट को अडोप्ट करने वाला है इन बेसिस पे उनको सेलेक्ट करेगी क्यों ताकि वो नेक्स्ट सर्वाइव कर सकें बिकॉज कमज़ोर वाले और जो विन नहीं कर पाते उनको नहीं सर्वाइव कर सकती नेचर जो मोर फिट हैं उनको ही सर्वाइव करेगी और वही आगे जा सकते हैं नेक्स्ट फिटनेस वी कैन इजीली डिस्क्राइब फिटनेस इन टर्म ऑफ थ्री काइंड ऑफ कार्व यहाँ पे हम फिटनेस भी कह सकते हैं यहाँ ये है थ्री टाइप्स टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसको टाइप्स को कर्व्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया नंबर वन डायरेक्शनल सिलेक्शन नंबर टू स्टेबलाइजिंग स्टेबल सिलेक्शन नंबर थर्ड सिलेक्शन सो वी डिस्कस वन बाय वन नंबर वन इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन In which the are to इन विच द ट्रेड्स आर लीनियरली रिलेटेड टू फिटनेस इनमें सीधी सी बात है डायरेक्ट सिलेक्शन मीन्स कि जो इंडिविजुअल मोर फिट होगा जिसकी ट्रेड्स ज़्यादा अच्छे होंगे मोर फिट को नेचर सेलेक्ट कर लेगी और वो ही सर्वाइव करेगा नेक्स्ट हम इसको ग्राफ में देखेंगे जो ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स वाला है ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर रहे हैं नंबर टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन स्टेबल मीन्स स्टेबलाइजिंग मीन्स स्टेबल ऑप्टीमल हेयर द इन विच देयर इज़ एन ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मीन्स कि वो इंडिविजुअल जो कि स्टेबल है नॉट वेरी मोर नॉट वेरी लेस मीन्स कि वो इंडिविजुअल जो ऑप्टिमल है नॉर्मल है स्टेबल है फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है उसका वेट बहुत ज़्यादा है एक का बहुत कम है मींस कि वो दोनों ही फिट नहीं है तो हम नेचर उनको सेलेक्ट करेगी जिनका वेट नॉर्मल है और स्टेबल है यहाँ देखते हैं स्मॉल वाले और लार्ज वाले दोनों ही नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी और जो मीडियम है नेचर उनको सेलेक्ट करेगी And the number third is disruptive selection. In which the individuals with the smallest largest value of the trait have the highest fitness, and individuals with intermediate values are a fitness disadvantage. Disruptive selection di is diversifying selection. Bhi डिसरप्टि मीन्स की डिस्टिव डिफरेंट डिफरेंट मीन्स की दो तरह की ट्रेड्स हैं दो तरह की ट्रेड्स हैं वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए दोनों के लिए स्पेस है लेकिन एक मतलब एक की भी अपनी स्पेस है दूसरे की भी अपनी है वहाँ पे वो दोनों अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और वो अच्छे तरीके से रह रहेंगे दोनों फ़िट हैं दोनों रह देंगे लेकिन अगर उनमें कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज़ वाला आ रहा है मतलब उन दोनों की ट्रेड्स हैं उन दोनों के लिए प्लेस हैं वो रह सकते हैं और उसके अलावा कोई और आ जाएगा उनकी ही रिप्रोडक्शन से तो वो उनके उस वो डिफरेंट होगा वो उस एनवायरमेंट के लिए फ़िट नहीं होगा तो वो खुद ही एलिमिनेट होता जाएगा वो उसमें फिट नहीं होगा इसलिए फिटनेस डिसएडवांटेज हो जाएगा उसके लिए वो दोनों अच्छे से रह रहेंगे हाईएस्ट वाला और लार्जेस्ट वाला बट जो इंटरमीडिएट बाद में आएगा उनकी रिप्रोडक्शन से वो उनके साथ मैच नहीं होगा तो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा देन नेक्स्ट इसका ग्राफ है स्मॉल और लार्ज और मीडियम वाला नहीं सर्वाइव कर पाएगा देन लेवल्स ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन को किन लेवल्स पे सिलेक्ट select, सिलेक्शन किन लेवल्स पे होती है डार्विन ने जो थेरी दी उसमें जो हम सिलेक्शन होती है वो किन लेवल्स पे होती है इसमें हम बहुत से तरीक़े उसने बताया कि डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं हम ग्रुप में ग्रुप में से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा इंडिविजुअली किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा जेनेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको सेलेक्ट किया जा सकता है डिफरेंट लेवल्स हैं जिसकी बेस पे नेचर ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है और वो सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल प्रीमाइज ऑफ डावेनियन सिलेक्शन मींस के डावेनियन सिलेक्शन में जो उसने थेरी पेश की थी उसका फंडामेंटल प्रीमाइज क्या है उसका उसकी स्टेटमेंट का मेन वाइटल इम्पोर्टेंट क्या है उसका क्या कोर है द फंडामेंटर प्रमाइज ऑफ डारेक्शन इज़ देश सिलेक्शन एक्ट ऑन द इंडिविजुल मोर प्रॉपरली डिफ्रेंस इन फिनोटाइप अमंग इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन उसने कहा डारेचुरशन से प्रोड्यूस किए गए इंडिविजुअल्स उनमें थोड़ा सा फिनोटाइप चेंज हो उनकी इनहेरिटेड वैल्यूज चेंज हो तो वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट काम कर सकते हैं लेकिन रिसेंट ईयर्स नंबर ऑफ़ ऑथर्स आर्ग्यूड उन्होंने आर्ग्यू किया कि हो सकता है सिलेक्शन इस तरीके से ना हो सिलेक्शन माई टेक्ट एट अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट लेवल्स एंड दीज लेवल्स ऑफ सिलेक्शन आर लूजली स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे लूजी स्ट्रक्चर हैं इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किए हैं और आगे इस तरह से सबसे पहले जीन्स डन इंडिविजुअल्स एंड किन ग्रुप्स एंड हेयर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन मेलानिज्म इन मॉथ्स और इंटस्ट्रिय मेलानिज्म इन में मेलानिज़म अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं थैंक यू सो मच